अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे अपने शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। जिस तरह से मैं शामी कबाब बनाती हूँ बहुत सिंपल और इजीएस्ट वे है, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए है 1 kg बीफ, या आपके पास मटन हो आप ले लीजिए। मैंने जो लिया है वो ये बीफ का गोश्त लिया है, ठीक है। ये तकरीबन 1 kg है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है चने की दाल ली है, जो कि मैंने 3 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो सऊदी अरब या फिर दुबई में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि इसका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेबल मिलती है जिंजर और गार्लिक की, वो अगर 2 से 3 डेज भी आगे अगर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसका कलर कुछ ऐसा आ जाता है, पता नहीं क्या रीज़न है, अब ये ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च है। मैं साबुत लाल मिर्च भी डालती हूँ, साबुत लाल मिर्च ही डालते हैं वैसे, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च उसमें ऐड करूँगी। ये है मेरे पास ज़ीरा है और साबुत धनिया है, मैंने इसको पीस लिया था। ये मेरे पास 2 चम्मच है, कुटी हुई लाल मिर्च भी मेरे पास 2.5 चम्मच है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है मेरे पास सॉल्ट है, ये आपने अपने हिसाब से ले लेना है सॉल्ट टू टेस्ट, ओके। और फोर्थ जो है ये मेरे पास 1 मीडियम साइज़ की जो है मैंने प्याज ये कट कर ली है, ठीक है। इसको मैं इस पर ऐड करूँगी। एंड देन मेरे पास जो है ये साबुत गरम मसाला है, इस पर मैंने साबुत गरम मसाला तो आपको पता ही एक जैसा ही आता है सबके जगह पे, लेकिन इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं वो जायफल जावित्री है, दालचीनी है, थोड़ा सा साबुत जीरा भी है, काली लाल मिर्च भी है, लौंग भी है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून, आप 1.5 चम्मच ले सकते हैं, ठीक। और ये तो हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स, अब इसको बनाते हैं। अच्छा, तो अभी ये हम पतीली में जो है ये गोश्त डालेंगे, जो मैं आपको दिखाया था 1 kg के करीब हमारे पास जो ये मीट है डालेंगे इसमें। और इसके बाद जो ये चने की दाल थी हमारे पास, जिसको हमने 3 घंटे पहले ही भिगो दिया था, अब हम इस पर ये ऐड करेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 2.5, इसको हम लेंगे। इसके बाद जो मसाले थे हमारे पास ये सब एक साथ हम डाल देंगे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत जीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ था, गरम मसाला और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, ये सब हम इस पर ऐड कर देंगे। के बाद इसको अच्छे से चला लें। इसके आप और भी चाहें तो अपनी तरफ से इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी लोग इसमें ब्लैक पेपर भी डालते हैं करते हैं, और अपने नटमेग जो पाउडर्स होते हैं नट्स को पीस के भी डाल देते हैं, वो मेरे फैमिली में पसंद नहीं करते लोग तो मैंने ऐड करती हूँ, वरना चाहें तो इसको आप और भी बना सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ही यूज़ करनी है, आप चाहें साबुत लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस टाइम मेरे पास नहीं थी तो मैंने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें आप पानी देंगे, वन के जी बीफ है तो मैं इस पर पानी ले रही हूँ, तकरीबन 3 कप की करीब पानी लेंगे इसमें। इतना पानी हो कि गोश्त जो है गल जाए, भी मेरा गोश्त ऊपर दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और पानी जो है इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम इसको रख देंगे 3 to 4 hours तक, तब तक हमारा गोश्त गल ना जाए, तो हम कवर कर देते हैं। 4 to 5 hours के लिए हमें कवर करना है। जो लोग मतलब जो सील में पिसते हैं उनके लिए तो 2 hours और 3 hours ही इनफ है, लेकिन मैं जो हूँ मतलब मैं आपको दिखाऊंगी प्रोसेस मेरा क्या है, मैं इसको अपनी पतीली में ही जो हूँ ना पीस के दिखाऊंगी, तो मुझे उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा हलवा चाहिए। ओके, सो अब ये स्टेज है, आप ये देख लीजिए, ये 4 घंटे के बाद जब मैंने ये चेक किया है तो इस तरह से कुछ रिजल्ट है। इसका पानी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है, बट मैं जो हूँ इसको
यहीं इसको घोटूंगी, मतलब यहीं इसको पीस दूंगी। बाज लोग चॉपर में पीसते हैं और बाज सिलबट्टे में, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इसमें चॉपर का पिसा हुआ, तो मैं इसको यहीं इसी में पीसती हूँ पतीली पे साथ साथ ना इसको घोटती चली जाती है। और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप सब इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा जी। तो ये देख लीजिए, ये है फाइनल रिज़ल्ट, बिल्कुल ये घुट गया है। अब हम इसको इस पर जो चीज़ें ऐड करनी है देखिए, ये स्टेज है, ये मैंने बिना चॉपर के और बिना सिल के ये जो है आपके सामने जो प्रोसीजर करके दिखाया है बिल्कुल, ये इसके बाद ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी होगी इसकी। देखिए बिल्कुल रेशा इसमें दिखता है, रेशा आपको साफ दिख रहा होगा इसमें। ओके सो आफ्टर दिस मेरे पास ये हरा धनिया है, ठीक है, इस पर ये ऐड करेंगे, थोड़ी सी प्याज ले लेंगे और ग्रीन चिली। ओके इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। बास लोग इस स्टेज पे जब बाइंडिंग की बात आती है ना तो वो एग भी इसमें जो है ऐड कर देते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है कि मैं इस पर ऐड जो है एग को जो है मैं ऐड करूं, वैसे ही बाइंड अच्छे हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। बट अगर जिसकी भी शामी कबाब टूटते हैं तो वो इस स्टेज पे आके जो है इसमें अंडा भी एक अंडा आप इस पर ऐड कर। अच्छा ठीक है, अब इसकी टिकिया बनाते हैं। अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी टिकिया कर सकते हैं, मेरा स्टैंडर्ड साइज जो होता है टिकिया का वो यही होता है। तवे पे ये तेल डाल दिए, तेल ज़रा गर्म हो जाए, उसके बाद कबाब डालेंगे। आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना बनाना है, ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है आपने इसको, ठीक है। अब इसको हम कटेंगे बिल्कुल आराम से, कटे टूटने ना पाए। जिन्होंने एग इसमें ऐड किया होता है उनके लिए मुश्किल नहीं होती, उनके नहीं टूटते। स्लोली स्लोली जो है उसको ऐड यहाँ से पलटते हैं। ये अच्छे से लाल हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं। ये हो गया है कुक, तो हम निकाल लेते हैं। ये कबाब रेडी हो चुके हैं या फाइनल लुक आप देख लें।